हे गाइस, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, वणक्कम एंड जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं निकल रहा हूँ डलहौजी से वापस धर्मशाला की तरफ। डलहौजी बहुत ब्यूटीफुल है, सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे। और अब चलते हैं होटल पे चेकआउट करने के लिए। चेकआउट की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे धर्मशाला की तरफ। धर्मशाला में आज का जो भी प्लान्स हैं वो मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा। सो आपसे मिलते हैं धर्मशाला में। हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अब धर्मशाला में। और यहाँ पे आते ही मतलब कुछ मैं आया था, यहाँ पे टाइम हो रहा था तो 12 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुँच गया था धर्मशाला में। सबसे पहले मैंने होटल में चेक इन करा, अपना लगेज रखा और यहाँ पे पास में एक अच्छा सा ट्रैकिंग पॉइंट है तो मैं वहाँ पर आया हूँ अभी। और ये देखिए आप, वो वहाँ पे वो स्नो कैप्ड माउंटेन है और यहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ है पहाड़ों पे, जो मुझे वहाँ नीचे से होटल से देखने को मिली थी। तो यहाँ पे एक ट्रैकिंग पॉइंट है जिसका नाम है त्रिवेणी, नाम है उस जगह का। उसकी ट्रैकिंग एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट टाइप की है, बिकॉज वहाँ पे एक तो सबसे पहले आपको सुबह 8-9 बजे आपको स्टार्ट करनी पड़ती ट्रैकिंग, अगर आपको शाम को वापस धर्मशाला में आना है तो। नहीं तो आप वहाँ पे अपना टेंट वगैरह ले जाएं, और वो वैसे वहाँ पे टेंट अवेलेबल है, आप बस बैकपैक ले जाएं और वहाँ पे रात रुक जाओ और फिर अगले दिन वापस आ जाओ धर्मशाला में। पर मैं तो ऐसे कहीं रुकने का मन नहीं था तो मैंने सोचा कि त्रिवेणी जाने से अच्छा है, एक हिडन प्लेस है यहाँ पे, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है उस ट्रैक के बारे में। तो हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं उस ट्रैक पे और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बिकॉज मैंने सुना है वहाँ पे अच्छा वाटरफॉल है और हो सकता है कि बर्फ़ वगैरह भी हमें देखने को मिल जाए। तो मेरे नीचे एक नदी बह रही है, ज़्यादा पानी नहीं है वहाँ पे, कुछ घोड़े हैं या खच्चर है क्या है, और ये नदी बह रही है। सांस तो अभी से फूल रही है और धूप है इसलिए मैंने कैप लगाई है आज, ऑल दो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करी है बट स्टिल आई थॉट कि बेटर यही रहेगा कि मैं कैप पहन लूँ। तो अब हम जा रहे हैं इस रास्ते से हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। वहाँ पे ऊपर भी कुछ है जहाँ पे मैं लोगों को देख पा रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, बट हम जाएंगे उनके पार, ऑन द अदर साइड ऑफ दैट हिल। सो गाइस, इस तरह का कुछ ट्रैक है, उम्मीद है ज़्यादा चढ़ाई ना हो, सीधा सीधा रास्ता हो तो बेटर है, बट हमें पूरा पहाड़ क्रॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चढ़ाई तो होगी। सो गाइस, हिमाचल की जो ये हिडन प्लेस है इसका नाम है नगोनी वाटरफॉल, और ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते नहीं हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हीं को पता है इसके बारे में, और वही दो लोकल्स मुझे आज इस ट्रैक पर गाइड कर रहे हैं। बर्फ है बट गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज है, पर व्यूज बहुत ज़बरदस्त है। मैं कैमरा सारा फ्रंट में करता हूँ, आप व्यूज़ का मजा लो। ये है व्यूज़, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ है यार, मस्त जगह है। यहाँ पे नीचे नदी बह रही है यहाँ पे, आई एम श्योर जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ से व्यूज और भी गजब के होने वाले हैं। सारी सनस्क्रीन अब तो बहने लगी है, इतनी मेहनत सारी व्यूज के लिए होती है कि आप लोगों तक बेस्ट टू बेस्ट व्यूज में पहुँचा सकूँ। आप लोगों का सिर्फ इतना सा काम है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना सबके साथ। डलहौजी में मुझे कुछ मेरे फॉलोवर्स मिले थे, उनके साथ मैंने फोटोज वगैरह क्लिक की थी, मुझे नहीं पता था कि हिमाचल में
मेरे फॉलोवर्स हैं। तो पी सकते हैं, फ्रेश होता है गाइस, जो फ्रेश वाटर है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। वाओ, मजा आ गया। टाइप का ब्रिज है जिस पर चलना इतना इजी नहीं है। चलो 1 2 3 भाई साहब, पूरा ब्रिज हिल रहा है ये मेरे चलने से। राम 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 राम। और टेढ़ा ये टेढ़ा है भैंस की आंख टेढ़ा है। राम 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 राम। अबे अबे टेढ़ा है, पूरा पैर टेढ़ा जा रहा है मेरा। अरे भाई साहब, तो गाइस पूरा ब्रिज टेढ़ा है, मेरे पैर टेढ़े जा रहे हैं इस पे। शिट, क्या ही जगह यार ये ब्रिज, ऐसी हालत है ना ये, कभी भी भगवान को प्यारा हो जाएगा। राम 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 राम। तो गाइस जैसे मैं बोल रहा था, बीच में से ब्रिज बिल्कुल टेढ़ा है, तो वो वहां बीच में से बिल्कुल टेढ़ा है। गाइस यही है वाटरफॉल, ज़्यादा पानी नहीं है ना, अभी तो ये बर्फ पिघल रही होगी ना, है ना। तो गाइस हम लोग पीछे उस ब्रिज से निकल के आ गए हैं वाटरफॉल के बिल्कुल पास में, और मैं वाटरफॉल का कोई बहुत शानदार सा लुक देता हूँ, बहुत शानदार सा। तो चलिए थोड़ा पास में चलें और उस वाटरफॉल का थोड़ा और अच्छे से व्यू लेते हैं। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं वाटरफॉल के बिल्कुल पास में, और ये है वाटरफॉल, बहुत अमेजिंग व्यूज आ रहे हैं इसके। तो अब हम चलते हैं वाटरफॉल के बिल्कुल पास में, लेकिन मैं अपना कैमरा ले जाने में थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के साथ नहीं चढ़ सकता। तो आप यहीं से इसका मज़े लीजिए, और मैं चाहता हूँ थोड़ा वाटरफॉल के पास में। तो गाइस हम लोग यहीं पे वाटरफॉल के मज़े ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। थोड़ा सा मैं भीग भी गया हूँ उस वाटरफॉल में, क्योंकि सडनली हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई और सारा पानी मेरे ऊपर आया था। बारिश के टाइम में कितना अच्छा वाटरफॉल होता होगा, बस मैं वही सोच रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह, पीछे बर्फ के पहाड़। अरे एक्चुअली मेरे जो गिम्बल है उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो वो थोड़ा इरेटिक बिहेव कर रहा है। सो एनीवेज, बर्फ के पहाड़ है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आपसे मिलते हैं नीचे पहुंच के, और फिर मैं जा रहा हूँ सीधा होटल, थोड़ा सूखना पड़ेगा, गीला हो गया और ठंडी हवा लग रही है, बीमार नहीं हो जाऊँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं होटल रूम में। तो गाइस रास्ते में जो हमें एक वाटरफॉल दिखा था, हमने सोचा थोड़ा उसको पास में जाके देखा जाए, तो ये वो वाटरफॉल है। नीचे से इतना कुछ खास नहीं दिख रहा था, बट ऊपर आके बहुत अच्छा फ्लो है इसका, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। Hey guys, so मैं ट्रैकिंग करके वापस आ चुका हूँ अपनी होटल में, और रूम टूर आपको दे देता हूँ। व्यूज अमेजिंग है, अमेजिंग व्यूज है। तो मैं आपको व्यूज दिखा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले अपन रूम टूर से चालू करते हैं, तो चलिए। तो गाइस ये है लगेज एरिया, ये छोटा सा क्लोजेट है,
ये वॉशरूम, ये मैं और ये शार एरिया है इस साइड, और ये आपको बताया। एंड देन ये मेरा बेड है, ये मैं हूँ, मेरा बैग है, और यहाँ पे कोई पार्टी नहीं हो रही है। और चलो व्यूज की तरफ चलते हैं। Look at the views, guys! Chop chop views है। बर्फ के पहाड़ है यहाँ पे, मतलब मॉर्निंग में जो यहाँ पे व्यूज आने वाले हैं उसका कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे ये लोग शायद कुछ फार्मिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। और यहाँ पे है एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर, पास में एक और रूम है, पता नहीं किसका है। तो एनीवेज ऑसम व्यू है। तो गाइस मॉर्निंग में जो भी रील्स या फिर वीडियो बनने वाली सनराइज़ की, वो बहुत गजब होने वाली है। तो मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी गलती मत करिए, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत बहुत अमेजिंग आने वाले हैं, छोटी छोटी सही वीडियोस बहुत गजब के बनने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। सुबह बस ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद से अभी शाम के 5 बज रहे और मैंने कुछ खाया नहीं है, और ट्रैकिंग अलग कर ली है मैंने। तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये सारी मेहनत होती है, अच्छे अच्छे व्यूज़ आपके साथ शेयर कर सके, बस इसी के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो एनीवेज ये सब तो होता रहेगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, अपने पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबको फैला दीजिए ये व्लॉग्स।